दे चुके, वर्षा ऋतु भी समाप्त हो गई, लेकिन उन्होंने हमारी अभी तक कोई सुध नहीं ली। हाँ भैया, हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आती है, मैं बड़ा अभागा हूं, अब तक सुध नहीं सी पाई। कपिपति का मुझे भरोसा था, वह भी मुझसे दूर हुआ, माया की महातरंगों में बचने का बेड़ा चोर हुआ। भाई है सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है, सुग्रीव नहीं तोसी इसमें, यह सब दौलत की खूबी है। जब तलक मनुष्य कंगाल रहे तब तक उत्पात नहीं करता, जब वही धनी हो जाता है तो मुझसे बात नहीं करता। धिक है ऐसी प्रभुताई पर जो सज्जन कर दे जीवन को, लानत है ऐसे चांदी पर जो मिट्टी कर दे जीवन को। लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव लगता है अपना मनोरथ पूरा करवाने के पश्चात हमें भूल गए। हाँ भैया, वो एक चपल चंचल बंदर ही तो है। हे भैया, तुम अब धीर धरो, मैं पंपापुर को जाता हूँ, धन वाले मत वाले को बस अभी बांध कर लाता हूँ, भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो राजा बनकर बैठा है, सब गर्व मिटाऊंगा उसका जो झूठा बनकर बैठा है। भैया, मुझे पंपापुर जाने की आज्ञा दीजिए, मैं उसे तुरंत लाकर आपके चरणों में छोड़ूंगा। हाँ, वो अपना मनोरथ पूरा करवाने के पश्चात मेरी आज्ञा कर रहा है। हाँ भैया, बाली के प्राण लेने वाले अमोघ बाण को भूल गया, उसे चेता देना आवश्यक है। ठीक है भैया, लेकिन ठहरो, तुम इतनी उत्तेजना और आवेश में जाना उचित नहीं है, और फिर हम महाराज सुग्रीव को अपना मित्र भी कह चुके हैं, हो सकता है कि महाराज सुग्रीव हमारे ही कार्य में संलग्न है, हमारे मन में जो द्वेष उत्पन्न हो रहा है वो हमारे कार्य विलंब में होने के कारण हो रहा है, इसलिए तुम जाओ और समय और स्थिति के अनुसार वहां कार्य कर लो। ठीक है भैया। बोलिए भैया हनुमंतलाल। श्री महाराज, तुम महलों में आनंद राज पे हो, उन मित्रों की भी सुध है कुछ जो गुरु कुटिया में रहते हो, है राजनीति के चार अंग ये बात मानते हो स्वामी, साम दाम दंड भेद खुद आप जानते हो स्वामी, रघुराई में चारों में से दो को प्रत्यक्ष दिखलाया है, अर्थात आपसे मेल किया, फिर बाल राज दिलवाया है, अब दंड भेद को बदते तो सुन लो प्रभु, अब दंड भेद को बदते तो अचरज है वो रघुवंशी है बाल दंड देने को हित तो भेद हेतु अंगद जी है, इसलिए मुनासिब तो यह है अपना भी फर्ज चुका दिया हम, वे हमें राजपद दिला चुके, सीता से प्रथम दिला दे, उन मित्रों के बारे में आप भूल गए? नहीं, भूला नहीं हूँ। ठीक है, मैं आज कृतज्ञ तुम्हारा हूँ, सोते को जगा रहे हो तो, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम, इस राज मुकुट की ज्वाला ने कर डाला भस्म ज्ञान मेरा, मुह कैसे उनको दिखलाऊं, अब रहा नहा मान मेरा, वह शरणागत वत्सल है पर यह भी सच है रघुवंशी है, अपनाए तो पानी में है, बिगड़े तो सूरज अंशी है, बस इसलिए एक ही उपाय
अब मेरे विचार में आता है सीता जी की सांझ आए सुबह को भूला नहीं कहता है सीता जी की सुध लेने हित कुछ कपीस विदा सर्वत्र करो तुम भी देशों देशों में जा बानर सेना एकत्र करो। चंद्र की जगाया है कि उनकी मित्रता को कैसे भूल सकता हूँ, उन्होंने तो मेरा बहुत काम किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बानर सिरा को एकत्र करो और चारों तरफ फैलाओ और सीता मैया का पता लगाओ और आप ही जाओ और बानर सिरा एकत्र करो। चलो श्री राम जी के पास चला जाए। आपके स्वामी सुग्रीव ने हमारे प्रभु श्री राम से वचन दिया था अपना, लेकिन वो अपना वादा निभाए नहीं। नहीं, आप ही के बारे में हम लोग मंत्रणा कर रहे हैं। हमें आपके महाराज से तुरंत मिलना है। ठीक है, अवश्य मिलेंगे आपसे। आइए महाराज सुग्रीव। सूर्यपुत्र सुग्रीव का युवराज लक्ष्मण को नमस्कार है। अभिवादन महाराज, अभिवादन। आप महाराज सुग्रीव, आपने हमसे कोई वादा किया था, क्या भूल गए? नहीं लक्ष्मण, हम कोई वादा भूले नहीं हैं। तब इतनी देरी क्यों कर दिया? देरी नहीं हुई है युवराज लक्ष्मण, हमने अपनी बानवी सेना को तैयार कर रखा है, एकत्र कर रखा है और हमें तुरंत राम भगवान से मिलवाओ और उनका सानिध्य प्राप्त कराओ। चलिए हम तुरंत चलते हैं। मैं महाराज सुग्रीव को अपने साथ में लाया। प्रभु मुझे माफ। यार आगे आओ, सामने आओ। अब मत रो, अब मत रो। मेरे तो परम सखा हो तुम, मुझ विरही की आशा हो तुम, मुझ रोगी की औषधि हो तुम। जो जिसका प्यारा होता है वह उसे प्राण सम होता है। दर्शन चाहे परसों में हो अनुराग नहीं कम होता है। महाराज मित्रता में संदेह नहीं करते, मित्रता में अभिन्न भाव रखकर केवल विश्वास किया जाता है। पिछली बातों को जाने दो, अब आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे अब वही उपाय करो। जो कुछ हो गया उसे पीछे छोड़ते हुए हमें केवल ये सोचना है कि हम सीता का पता कैसे लगाएं। कुछ उपाय आपने किया है? हाँ प्रभु, हमने यज्ञ किया है कुछ। हमने अपनी बानवी सेना को तैयार कर रखा है सीता की सुधि प्राप्त करने के लिए और कुछ बानरों को हमने सर्वत्र भेज भी दिया है। ठीक है मित्र, जैसा आप रणनीति बनाए उसी के अनुसार सीता का खोज किया जाए। ठीक है प्रभु, वैसा ही होगा। हमारी सेना जो यहाँ पर प्रभु एकत्र है उनमें से मैं कुछ लोग को चाहता हूँ कि उत्तर दिशा में जाएं और कुछ बंदरी सेना पूरब दिशा में जाएं, पश्चिम दिशा में जाएं और मैं हनुमान चाहता हूँ कि युवराज अंगद और हनुमान जामवंत नल नील ये लोग दक्षिण दिशा के रूप में जाएं। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश होगा वैसा ही किया जाएगा। ठीक है जाइए। बोलो सुग्रीव महाराज की। प्रभु माँ जगनंदनी के पता के लिए आप आदेश दीजिए। हे ज्ञान गुण निधान हनुमान,
तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही मुझे लगता है कि तुम्हारे द्वारा ही मेरे सकल मनोरथ सिद्ध होंगे। सब आपकी कृपा है भगवान। तुम जाकर जब वैदेही से मिलना तो मुझको सीता से मिलना, तो ये राम नाम अंकित मुद्रिका उसे दिखा देना, जिससे उसको विश्वास हो जाए कि तुम हमारे पास से आए हो, हमारे प्रियजन। ठीक है पर उससे कहना कि जब से वैदेही बिछड़ी है तब से राम का ये शरीर प्राणहीन हो गया है, और जब तो जैसा मैंने आपको ये मुद्रिका दी है वैसा तुम कुछ उपहार लेते आए। ठीक है प्रभु। देखो हम अपनी बानर सेना से कहना चाहते हैं कि अगर एक महीने के अंदर पता नहीं लगा पाए, अगर वापस चले आए तो उन्हें प्राण दंड दे दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। ठीक है महाराज। हनुमान जाओ, गौरी गणेश महेश तुम्हारा कल्याण करे। ठीक है प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हो जाएगा, बस इतनी ही भूमिका होगी। इस अशोक वाटिका का आप लोग ध्यान रखेंगे दिन में।